तो नमस्कार, मेरा नाम है शैलेन शक्लानी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई पर्वतारोही, कोई माउंटेनियर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करता है, माउंट एवरेस्ट को फतह करता है, तो उनका टीवी में, अखबार में, अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे या फेसबुक पेज पे उनका वीडियो आता है और अलग अलग सरकार और संस्थाएं उनको इनाम देती हैं, उनको सम्मान देती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हीरो से मिलाने वाला हूं जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार एवरेस्ट को सबमिट किया है। और एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की सबसे मुश्किल जो चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन K2, उसको 2 बार सबमिट किया है 2018-19 में। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा निंगमा शेरपा फ्रॉम दार्जिलिंग। तो हमारे साथ में निंगमा शेरपा सर, थोड़ा आगे आ जाए आप। निंगमा शेरपा है जिन्होंने 7 बार एवरेस्ट सबमिट किया है, 2 बार K2 को सबमिट किया है। 15 साल के थे जब उन्होंने उत्तराखंड की सबसे मुश्किल चोटी कामेत को फतह किया था, केवल 15 साल में। उसके बाद बात करें तो अभी कौन सा करके आए सर, ये मंदावन, जो कि कामेत के जैसी ही मुश्किल है। और वही नहीं, पता नहीं कितनी 8000 और 7000 मीटर की चोटियों पे इन्होंने अपने कदम रखे हैं। तो सर, 2 शब्द आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ और ये बता दें आप मुझे कि आपने कौन कौन सी चोटी फतह की है और कौन सी आपकी सबसे मुश्किल रही आज तक की। दो शब्द सर। अच्छा, इंडिया में अपना जो ले लद्दाख ग्लेशियर, तो प्लग टू बोल के है। अच्छा, प्लग टू पहले किसी ने ऐसे नहीं किया, बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन सबसे पहला फिक्सिंग रोड टू बनने में ही था। 2013 में सबमिट किया था हम लोग ने, 7310 था हाइट। अच्छा, लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश किया, हो नहीं पाया। 13 में हमने किया। अच्छा, और काफी टेक्निकल है, बहुत सारे टेक्निकल है अपने इंडिया में, फिर ले लद्दाख से लेके नूनकुन और ये अपना उत्तराखंड, क्या बोलता नाना देवी, इस मैंने 2008 में सबमिट किया तक किया, लेकिन टीम जाने पाया और इसलिए वापस आना पड़ा। फिर नीरू 2006 में किया, नीरू वाओ, चौखंबा यहाँ से अंदर कितने किलोमीटर से लास्ट है, 2002 में किया था। मतलब ये बेले में केदारडुम, बर्तकुन, थ्रीमुखी पर्वत, 7-4 बार वाओ, लेकिन बहुत ठीक तो बहुत किया है, गिनती करके तो अभी तो आप 40-50 ऊपर हो जाएगा। 40-50 से ज्यादा पीक उन्होंने सबमिट किए हैं और जो यहाँ पे सबसे मुश्किल पीक माने जाती हैं, मेरू हो गया, कामेत हो गया, ये सब इन्होंने सबमिट किया है। और उम्र अगर इनकी मैं बताऊं तो केवल 38 साल के हैं अभी, और 38 साल में इतने बड़े कारनामे। और हम लोगों को आज इनसे मिलकर ये लगता है कि हम लोग भी अभी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुके हैं सच में। तो सर, अभी मतलब अभी यहाँ पे आने का रीजन क्या है, आप कौन सी पीक सबमिट करने जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग एक्चुअली, मैं तो गाइड हूँ, ये अपना बागरेती थ्री काम करने के लिए आया। तो बागरेती 3 सबमिट करने के लिए आया है। और अक्सर होता ही है यार कि जैसे मतलब मैं क्लाइंट हूँ, मैं एवरेज सबमिट करने जा रहा हूँ, तो शेरपा हमारे लिए रूट ओपन करते हैं, वो हमको वहाँ पे चढ़ाते हैं, लेकिन शेरपाओं का नाम नहीं आता कि उन्होंने एवरेस्ट किया। नाम आता है क्लाइंट का, क्योंकि शायद वो पैसे देता है, लेकिन एक्चुअल में जो हीरो है माउंटेनियरिंग के, ये लोग हैं, इन लोगों का नाम पहले आना चाहिए। तो बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपके दर्शन हुए और काफी लोग आपसे इंस्पायर होंगे, मैं तो आपसे इंस्पायर हुए और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।